हम्पी आए हो और हम्पी बाज़ार नहीं घूमे तो क्या मज़ा। चलो तुमको थोड़ा हम्पी बाज़ार के बारे में, हम्पी बाज़ार दिखाते हैं और बताते हैं क्या क्या मिलता है और क्या चीज़ें लेने लायक है और आपको क्या लेके जाना चाहिए। चलो तो अब चलो तुमको मार्केट की थोड़ी सैर कराते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ जो इस बाज़ार के बारे में है वो ये है कि तुमको काफ़ी सारे स्कल्पचर्स मिल जाते हैं और ये यहाँ पे नहीं, ये पूरे बाज़ार में ही अवेलेबल है। छोटी शॉप्स हैं, स्टूडियो मतलब टैटू स्टूडियोज़ हैं, यहाँ तुमको ओम नाम के बहुत सारी टी शर्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स हैं अगर आप लेना चाहो तो। कुछ एंटीक है, कुछ अच्छा है, तो अगर इस तरफ भी आओगे तो ये एंटीक का शॉप है। फिर इस तरफ आओगे तो ऐसे कुछ खिलौने मिल जाएंगे, खिलौने के बाद में वापस ये एंटीक का शॉप है। मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेदर की तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं यहाँ पे और जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। बाकी ये क्लोथिंग है, ज्वेलरी है, हमारे लिए तो पता नहीं लेकिन लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ है। फिर बहुत से बैग हैं अलग अलग स्टाइल के, टी शर्ट्स हैं, कॉटन टी शर्ट्स हैं, फिर ये कारपेट जैसा कुछ है, तो ये है। और दूसरी बात, हम्पी मार्केट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं इस तरफ से उस तरफ आऊँ जब तक ये वीडियो चल रहा है बस इतना ही है। तो अभी जैसे मैं देख सकता हूँ ये रिकॉर्डिंग अभी 1:10 पे पहुंची है, तो बस यही है। और ये आ गए हम मार्केट के इस तरफ, मतलब आप सीधा सीधा निकल के आओगे तो 2 मिनट में मार्केट ख़त्म कर सकते हो। तो ये मार्केट है, रोज़ लगा रहता है, सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है और रात को 9 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो मार्केट के बारे में इतना ही। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मार्केट के बारे में या कुछ ऐसा है जो आप मार्केट के बारे में पूछना चाहते हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लेने का मन है और आप पहले कंफर्म करना चाहते हो कि आपके आप आओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ मार्केट में कौन सी चीज़ कितने में मिलती है मैंने दिखाई है। आप हम्पी की हाइलाइट्स में जाके देख सकते हो। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अर्जेंटली चाहिए होगी या कुछ अर्जेंटली पूछना होगा तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं।